हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन नंबर एंड हाइफनेशन। ये दोनों ऑप्शंस आपकी लेआउट टैब में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन नंबर का यूज़, कि हम लाइन नंबर क्यों यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने अपना डॉक्यूमेंट किसी और को भेजना है अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शंस करने के लिए, तो जो भी दूसरा इंडिविजुअल होगा आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शंस करेगा और वो करेक्शंस करके आपको इंटीमेट करेगा कि उसने कितनी करेक्शंस कर दी हैं और कहाँ कहाँ उसने करेक्शंस की हैं। तो उन करेक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए, उसको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि किस लाइन में उसने करेक्शंस की हैं। तो इस टास्क को ईजी बनाने के लिए हम लाइन नंबर इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। लाइन नंबर की हेल्प से आप इजीली हर एक लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो और किसी को कन्वे कर सकते हो। तो आइए देखते हैं लाइन नंबर हम कैसे इंसर्ट करेंगे। लाइन नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाना है। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी आपको लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स में आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है नन, अगर आपने कोई भी लाइन नंबर नहीं असाइन करना। नेक्स्ट मेरा लाइन नंबर है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये है कि पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी आपने पेजेस क्रिएट किए हैं और हर पेज पे जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें एक कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में लाइन नंबर अपीयर हो। तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगी। जैसे ही मैंने कॉन्टीन्यूअस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज से मेरी नंबरिंग स्टार्ट हो गई है और वो एक कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है और बिल्कुल एंड तक जो है वो मेरी काउंटिंग जो है वो चली है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को लाइन नंबर असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीस्टार्ट ईच पेज। ये ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं और अगर हमने हर एक पेज पे जो हमारा लाइन नंबर है वो वन से स्टार्ट करना है। तो मैं अभी नन करूँगी, तो मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगी रीस्टार्ट ईच पेज। तो जैसे मैंने इस ऑप्शन को यूज़ किया आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर मेरी जो लाइन नंबर है वो वन से स्टार्ट हुआ, 33 तक है। सिमिलरली सेकंड पेज पे जो लाइन नंबर है वो वन से स्टार्ट हुआ अप टू 34। थर्ड पेज पे लाइन नंबर वन से स्टार्ट हुआ अप टू 15। इस तरह आप हर एक पेज का जो लाइन नंबर है वो वन से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब इस ऑप्शन में क्या है कि आप जितने भी सेक्शंस में आपने डेटा को डिवाइड करेंगे अपने टेक्स्ट में, हर एक सेक्शन का जो लाइन नंबर है वो वन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम अपने डेटा में सेक्शंस को डिवाइड करते हैं। जैसे ऑपरेशन के बाद मैंने ये डेटा सेकंड सेक्शन में डालना है तो मैं यहाँ पे ब्रेक्स में जाऊँगी, सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं मेरे इस डॉक्यूमेंट में दो सेक्शंस क्रिएट हो गए। एक तो वो सेक्शन जिसमें सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ है और एक सेकेंड सेक्शन है जिसमें मेरे रेस्ट के पैराग्राफ्स हैं। तो मैंने अब इनको नंबरिंग करनी है तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करूँगी, फर्स्ट सेक्शन के लाइन नंबर रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जब आप एक सेक्शन को नंबरिंग दे देते हो तो जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसकी नंबरिंग के लिए आपको दोबारा से इस ऑप्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है क्योंकि बिकॉज ये सारे पैराग्राफ एक ही सेक्शन के अंडर हैं। नेक्स्ट है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इस केस में क्या होगा कि सपोज कीजिए आपके डॉक्यूमेंट में किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप लाइन नंबर असाइन नहीं करना चाहते, आप उस पैराग्राफ को छोड़कर बाकी जितनी भी लाइंस हैं उनको एक लाइन नंबर असाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, लाइन नंबर में जाएंगे, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लाइन नंबर पे जाकर कंटिन्यूस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ को छोड़कर जितना भी मेरा टेक्स्ट है हर एक टेक्स्ट को एक लाइन नंबर जो है वो असाइन हो गया डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को। इस तरह आप अगर किसी पर्टिकुलर एक या दो पैराग्राफ की नंबरिंग नहीं करना चाहते तो वो इस ऑप्शन से होगा सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो लास्ट ऑप्शन है लाइन नंबरिंग ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे,
यहाँ पे जाके देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है पेज सेटअप का। लास्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है लाइन नंबर्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये लाइन नंबर्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे पहले है ऐड लाइन नंबरिंग, आप इस पर टिक करेंगे तो आपने जो लाइन को नंबरिंग प्रोवाइड करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टार्ट ऐट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन से। काउंट बाय, कितना कितना काउंट इंक्रीज हो उसमें, वन, तो मतलब वन टू थ्री, इस तरह हमारे लाइन नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। जो बीच वाली ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, ये आपको डिस्टेंस बताएगी कि कितने टेक्स्ट से कितने डिस्टेंस पे आपका लाइन नंबर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से आप वो डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब मेरा लाइन नंबर और मेरा जो टेक्स्ट है उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर का है। नीचे है कि जो आपने नंबरिंग देनी है वो आपने हर पेज से स्टार्ट करनी है, रीस्टार्ट ईच पेज या फिर रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सेक्शंस को अलग अलग नंबरिंग देनी है, या फिर पूरे डॉक्यूमेंट को एक कंटिन्यूटी में लाइन नंबर असाइन करना है। तो मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगी, ओके, देन ओके। तो अब आप देख सकते हैं मेरा ये जो लाइन नंबर है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। तो आप इस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट में एक जो लाइन नंबर्स हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। लाइन नंबर हटाने के लिए आप लाइन नंबर पे नन की ऑप्शन को क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफनेशन। हाइफनेशन ऑप्शन का मतलब क्या है, अब जैसे सपोज कीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड्स टाइप कर रहे हैं, तो अगर वो वर्ड बहुत लेंथी है और आप डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एंड पे पहुँच गए हैं, मार्जिन पे, राइट मार्जिन के पास पहुँच गए हैं, और वो डॉक्यूमेंट वहाँ आपका जो वर्ड है वो उस डॉक्यूमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो लेंथी वर्ड आपका नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आधा वर्ड उसी स्पेस में आ जाए और आधा वर्ड नेक्स्ट लाइन में आ जाए, उसके लिए हम हाइफनेशन की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। हम एक सिंबल जिसको हम हाइफन बोलते हैं उसको इंसर्ट करते हैं, और आधा जो हमारा वर्ड होता है वो फर्स्ट लाइन के एंड में और आधा वर्ड आपका जो है नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में चला जाता है। तो आइए देखते हैं हाइफनेशन हम कैसे इंसर्ट करेंगे। लेआउट टैब के अंडर ही पेज सेटअप ग्रुप में लास्ट ऑप्शन है हाइफनेशन, इसमें हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अभी नन है, मतलब कोई हमने हाइफनेशन यूज़ नहीं की है। नेक्स्ट मेरे पास एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक, जैसे ही मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं जो अब मेरे हाइफनेशन में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए जैसे इन्फॉर्मेशन, तो इन यहाँ पर आ गया, हाइफन फॉर्मेशन नेक्स्ट वर्ड में चला गया। सिमिलरली ये देखिए परफॉर्म, पी ई आर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्म नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन, कीबोर्ड, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपकी हाइफनेशन की। तो ऑटोमेटिकली आपका वर्ड जो है ऐसे वर्ड्स के आगे हाइफन लगा के उसको कंबाइन करता है। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है मैनुअल, अगर मैं मैनुअली करना चाहती हूँ तो वो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो आप देखते जाइए, एक एक वर्ड करके यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कम्युनिकेशन में आप हाइफनेट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं करूँगी यस। नेक्स्ट इज कंप्यूटर, यस। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को आप मैनुअली भी उनके बीच में हाइफन लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड को आपने हाइफन में कन्वर्ट नहीं करना है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट वर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यस, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हाइफनेट होते जा रहे हैं। तो ये देखिए हाइफनेशन इज कंप्लीट, ओके। लास्ट जो इसमें ऑप्शन है दैट इज हाइफनेशन ऑप्शंस, आपने इसको ऑटोमेटिकली करना है, उसको कैपिटल्स में लेके आना है। तो लिमिट क्या है, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर और वर्ड्स को हाइफन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। Thanks for watching my video. Keep supporting us.